सोनाली जी रुकिए ना, इस तरफ आइए ना सोनाली, इधर आ जाओ ना मैम, इधर आ जाओ। हाँ ये लाइट थोड़ा जाएगा, जाने दो मैम। बस बस थोड़ा अपन खींच ले, बस मैम बस। मैम जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट है डीआईडी लिटिल मास्टर को लेकर। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बच्चे हैं और डांस कर रहे हैं तो ये तो काम लगता ही नहीं है। यहाँ पे आओ, मज़ा, आई मीन मज़ा आता है। इट्स लाइक देयर एंटरटेनिंग यू, आपको रोज़ अमेजिंग टैलेंट देखने को मिलता है, तो तैयार होके आप बेसिकली इन्जॉय करो, यही है। तो ऐसा काम तो मुझे लगता है हमेशा मिलना चाहिए। मैम आपसे जानना चाहूँगी जजिंग किस बेसिस पे आप करने वाली हैं बच्चों को लेकर, क्या कुछ फर्स्ट ये प्रायोरिटी रहेगी? आई थिंक रेमो है, मोनी है, दोनों बहुत अच्छे डांसर्स हैं और आई मीन रेमो इज़ यू नो डी आई डी का रियली ही इज़ द बॉस। सो आई थिंक मेरी तरफ से कहीं पे एक तो देखने जिस तरह से मैं देखती हूँ और कहीं पे एज अ पेरेंट आई विल बी लुकिंग एट इट कि किस तरह से वो कर रहे हैं, इज इट होलिस्टिक और नॉट, तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी नाइस वे टू लुक एट इट। और रेमो मैम, ये रेमो और मोनी मैम के साथ किस तरह की बॉन्डिंग आप शेयर करेंगे शो के दौरान? आज शुरुआत है और बहुत मज़ा आया उनके साथ में, और जब भी नए लोगों से मिलते हैं और वो भी इतनी अच्छी एनर्जी है दोनों की, इतने प्यारे हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम। जय भानुशाली इसको होस्ट कर रहे हैं, वो कितना एंटरटेनिंग रहेगा आपके लिए? मज़ा आएगा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और क्या कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे मैम? मैं कहूँगी कि इतने सारे शोज जज किए लेकिन मैंने आज तक कभी डांस शो जज नहीं किया था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। माई माइंड हैज़ बिन ब्लोन, अभी तक जो मैं टैलेंट देख रही हूँ माइंड ब्लोइंग टैलेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे उतना ही एंजॉय करें जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ उसको जज करना। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि 4 साल पहले जी के प्लेटफॉर्म से ही गई थी ट्रीटमेंट के लिए, तो कहीं पे एक इमोशनल फीलिंग भी है कि मैं वापस जी के शो पे आ रही हूँ। एंड डीआईडी इज़ डीआईडी, मुझे हमेशा लगता है कि यहीं से एक्चुअली आपका जितना टैलेंट आज इंडस्ट्री में काम कर रहा है कहीं ना कहीं यहीं से आया हुआ है। सो आई थिंक ये है जहाँ से टैलेंट जेन्युइनली निकलता है। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैम जब ये ऑफर किया गया या आपको अप्रोच किया गया एज अ ये जज, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ फर्स्ट थॉट आया जब ये ऑफर किया गया आपको? अब डांसिंग मुझे आती नहीं है, मैंने कहा मैं तो डांसिंग नहीं करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपने तो सिंगिंग शोज भी किए हैं। आई सेड हाँ एक्चुअली वो है ऑडियंस की तरह, एज समबडी जो अच्छे टैलेंट को अप्रिशिएट करता है, उसको देख के अच्छे टैलेंट को रिकग्नाइज़ करके उसको एक मौका देने का, जैसे एक पेरेंट करता है कि जब आप अपने बच्चे में देखते हो हुनर तो उसको आप ग्रूम करते हो और उसको चाहते हो कि उनको मौका मिले अपना हुनर दिखाने का, तो उस हिसाब से आई थिंक दैट इज़ द वे आई विल बी ट्रीटिंग इट, कि एक पेरेंट के हिसाब से कि अगर आपको हुनर दिख रहा है तो आप उसको किस तरह से जैसे वो एक कली होती है उसको कैसे आप ब्लूम होने दें, दैट इज़ हाउ आई। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.